तो पहले चरण का मतदान जो है लोकसभा चुनाव का वो आज शुरू हो चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान है, इसमें मुजफ्फरनगर सीट भी शामिल है। एक बार फिर से संजीव बालियान चुनावी मैदान में है। मुजफ्फरनगर सीट से उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया और वो खुद लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं पोलिंग बूथ पर। संजीव बालियान जी हमारे साथ में है। संजीव जी, आप वोट डाल चुके हैं, एक बार वो दिखा दीजिए। जी, वोट डाल चुका हूँ। वोट डाल चुके हैं, कितने आश्वस्त हैं, कितने उत्साहित हैं? मैं अस्वस्थ ही रहता हूँ हमेशा। अच्छा। जो लोगों के बीच में रहेगा वो स्वस्थ रहेगा, और यहाँ तो मैं परिवार में हूँ अपने। आप वोट डालने के बाद में भी लोगों के बीच में जा रहे हैं, आप उन्हें जागरूक भी कर रहे हैं वोट के? वोट डालनी चाहिए, सबको वोट का अधिकार है, इस अधिकार का सदुपयोग करना चाहिए। इस बार आप क्या कोई चुनौती मानते हैं इस बार चुनाव? नहीं, ऐसा नहीं लगता। नहीं लगता, क्योंकि बार बार चर्चा है कि मुजफ्फरनगर में त्रिकोणीय मुकाबला है, ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप देखेंगे एक तरफा मुकाबला। अच्छा, इस बार आप अपनी जीत को लेकर, सुनी सुनी संजीव जी इस बार आप अपनी जीत को लेकर क्या कहते हैं? 100% आश्वस्त, थोड़ा मुझे चलन दो, काम कर लेने दो। ये उत्साह भी है, लेकिन पिछली बार चुनाव के मुकाबले अगर इस बार देखा जाए अपनी जीत को लेकर आश्वस्त जरूर नजर आते हैं, वोट डालकर निकले हैं संजीव बालियान। उनका कहना है कि पिछली बार जो जीत दर्ज की थी और इस बार उससे भी ज्यादा जीत दर्ज करेंगे और अपनी जीत के प्रति 100% आश्वस्त नजर आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ नैना यादव, इंडिया डेली लाइव के लिए मुजफ्फरनगर।